उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। बताया ये जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव की कैलेंडर बदलने से डर क्यों है? क्या तारीख बदलने से चुनावी नतीजों पर असर होगा? इसी पर आज की बहस होगी। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, अब उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इस पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव का कहना है कि ये आपसी सुलह के बाद, आपसी मशवरे के बाद ये तारीखें बदली गई हैं। यानी सीधा सीधा हमला चुनाव आयोग के ऊपर भी बोला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी के ऊपर भी ये हमला बोला गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव होना था और अब ये मतदान 20 नवंबर को होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह बताई जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन हैरानी होती है इस फैसले पर, क्योंकि जब भी चुनावी तारीखों का तय हो रही होती है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उस समय वो कैलेंडर कब कब कहां पर क्या पर्व पड़ना है, कब कब क्या त्यौहार होगा, वो सब देखा जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर चुनाव आयोग तारीखें बदलता रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर एक मौका मिल जाता है हमला बोलने का। रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया है। इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो 4 पंजाब और 1 केरल से हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। अब सवाल है कि चुनाव आयोग ने अचानक इन सीटों पर वोटिंग की तारीख में बदलाव क्यों किया? दरअसल अलग अलग त्योहारों की वजह से कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है, और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। उधर उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से तारीख बदल रही है। वही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि तालमेल बिठाते हुए उपचुनावों की तारीख में बदलाव किया गया है। भले ही चुनाव आयोग तारीख बदलने की वजह त्योहार बता रहा हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों को आयोग के फैसले पर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, और आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद और विशाल रघुवंशी मेरे साथ मौजूद है। रवि त्रिपाठी, मैं आपका पहले रुक करूंगी, और लंबा पत्रकारिता का आपको अनुभव रहा है, आप जानते ही हैं कि जब भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाता है तो चुनाव आयोग की एक टीम जाती है, और जितने भी हॉलीडेज हैं या त्यौहार हैं या पर्व हैं उनकी एक लिस्ट पहले से होती है। फिर बार बार चुनाव आयोग के सामने इस तरीके की बातें क्यों आ जाती हैं कि तारीख चेंज करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं इस तारीख के चेंज होने से विपक्ष को मौका मिल जाता है बैठे बिठाए, फिर इस तरीके की लापरवाही कैसे हो जाती है चुनाव आयोग? बिल्कुल जो सवाल आपने अभी मुझसे पूछा है, यही सवाल हम लोगों ने सीईसी से पूछा था जब हरियाणा के चुनाव की तारीखों को चेंज किया गया था, 1 तारीख से बढ़ाकर 5 तारीख किया गया था, याद कीजिए, बदलाव किया गया था। उनका यही कहना था कि हम लोग माइन्यूटली मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें हमसे भी रह जाती हैं। हो सकता है कार्तिक स्नान वाली बात उनके ध्यान में नहीं आई होगी, और अगर इस तरह की बातें आती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको बदलाव करते हैं, चेंज इसी वजह से किया गया। हालांकि इसको और भी अलग जोड़ा जा रहा, देखिए कुछ लोग ये मजाक में कह भी रहे हैं कि डेट बदलाव जो है बीजेपी को फायदा कर रहा है, हरियाणा में उसका फायदा हुआ है, हो सकता है उपचुनाव में उसका फायदा होगा, इस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जाहिर तौर पे आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की बात भी मानी गई है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस की बात मानी गई है, जो डीजीपी है उनका ट्रांसफर भी किया गया है, तो उसकी तारीफ भी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो रवि, इसीलिए तो ये मुद्दा और गंभीर हो जाता है, और ये मुद्दा इसलिए गंभीर हो जाता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को अगर बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब डीजी झारखंड
झारखंड बदले गए थे उस समय डीजीपी नहीं बदली गई थी महाराष्ट्र की, लेकिन आज क्योंकि तारीख चेंज हुई और इसलिए आज डीजीपी बदली गई और इसीलिए इसको बैलेंसिंग एक्ट कहा जा रहा है। रवि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, बैलेंसिंग एक्ट इसलिए कहा जाए कि पहले महाराष्ट्र को लेकर फैसला हुआ, फिर उपचुनाव के का डेट तारीख आया, लेकिन चुनाव की तारीख केवल उत्तर प्रदेश का आता तो शायद सवाल खड़ा हो सकता था। पंजाब के उपचुनाव को भी डेट भी हुआ है, केरल को लेकर भी हुआ है, और मैं चूंकि चुनाव आयोग कवर करता हूँ इसलिए हम लोग इस तरह के सवाल सीईसी से पूछते रहे हैं। मैं कहा ना, सीईसी ने कहा कि कई चीज़ों हम लोग सारे पैमाने को हम लोग देखते हैं, सारी छुट्टियों को हम देखते हैं, लेकिन कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, उन्होंने माना था इस तरह की गलती हो जाती है। मैंने कहा ना, कार्तिक स्नान हो सकता है उनके जेहन में नहीं आया, सकता है इसका जिक्र उस समय नहीं, लेकिन बैठे बिठाए मौका जरूर रवि जानबूझकर करने वाली चीज बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे देता है विपक्ष को। जल्दी से मैं विशाल का रुख कर लेती हूँ। विशाल, आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद हैं और बैठे बिठाए विपक्ष को मौका मिल गया है, और उधर डिंपल यादव कह रही है कि भाई तालमेल बिठाकर तारीखें बदली गई हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जैसा अभी रवि ने भी कहा कि भाई बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, क्या आपको सच में लग रहा है कि 13 से जो तारीख 20 हुई है जमीन पर, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा शोभना, क्योंकि अगर हम बात करें 13 तारीख को, तो 13 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और प्रयागराज की फूलपुर सीट इससे प्रभावित होती है। इसके साथ साथ कानपुर में शीशामऊ जो इलाका है वहाँ पर एक बड़ा गंगा स्नान होता है, बड़ा गंगा पर्व होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुरादाबाद में बड़ा पर्व मनाया जाता है, तो 3 से 4 दिन तक वहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरह से उस मेले को जो है लगातार व्यवस्थित करता है और तमाम जो लोग हैं वो आते हैं। तो ऐसे में जो वोटर्स होते हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल हार्डकोर वोटर माने जाते हैं, वो शायद वोटिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते पोलिंग सेंटर पर, और इसीलिए शायद इस तरह की डेट की मांग की जा रही है। अब विपक्ष को मुद्दा इसलिए मिल गया है क्योंकि बीजेपी ने 20 तारीख की मांग की थी कि 13 तारीख की जगह 20 तारीख किया जाए और चुनाव आयोग ने 20 नवंबर कर दिया। तो ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपको 13 तारीख की जगह किसी और दिन करना था तो 14 कर सकते थे, 15 कर सकते थे, 16 कर सकते थे, लेकिन आपने जो बीजेपी ने मांग की 20 तारीख, तो आपने बीजेपी की मांग को जो है स्वीकार कर लिया। आरएलडी ने भी, चूंकि आरएलडी का भी एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो आरएलडी ने भी इस बात की मांग की थी कि इस डेट को चेंज किया जाए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, बड़ा पर्व होता है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त बटोगे तो कटोगे जो नारा चल रहा है, जो जितने वोटों का, चलिए बिल्कुल विशाल, और अब तो इंतजार रहेगा चुनाव नतीजों का जो कि 23 नवंबर को आएंगे, और तब पता चलेगा कि क्या सच में जो फायदा बीजेपी को हरियाणा में हुआ 1 तारीख से 5 करने का और यहां 13 से 20 करने का, वही फायदा 9 उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी को हो रहा है। हालांकि देखिए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और यही सियासत है, चुनाव है तो फिर इस तरह के विवाद तो खड़े होने ही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Z News।